हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ या एक बाघ चिड़ियाघर में, जिसके राइटर हैं लेजली नॉरिस। आज के इस वीडियो में हम इस पोयम के स्टेंजास का लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम किया था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं ईजी लैंग्वेज में। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, द टाइगर मूव्स अ फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन इन हिज केज। बाघ अपने पिंजड़े में इधर उधर कुछ कदम चलता है। द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, यानी उसके शरीर पर धारियां, आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, जो कि बहुत ही गहरे चमकदार रंग की हैं। द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेटी पैड्स, यानी बाघ अपने मखमली गद्दीदार तलवे वाले पैरों से चलता है। ही इज़ फुल ऑफ रेज, वह क्रोध से भरा हुआ है। बट इज़ क्वाइट, लेकिन वह शांत है। बिकॉज, क्योंकि, ही नोज, वह जानता है, दैट के ही इज़ हेल्पलेस हीयर, कि इस पिंजड़े में वह बेबस है या वह असहाय है। नेक्स्ट लेते हैं हम स्टेंजा टू। स्टेंजा टू है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, लुकिंग एट द इम्प्रिजेंट टाइगर, यानी कैद बाघ को देखकर द पोइट इज फिल्ड विद पिटी, कवि दया से भर जाता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट, इस बेचारे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। देन, फिर, एट दिस पॉइंट ऑफ द नाइट, फिर रात के इस पहर, ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शेडोज ऑफ ट्रीज, उसको वृक्षों की छाया में लेटे होना चाहिए। एंड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के मतलब सरकना चाहिए, क्वाइटली, चुपचाप से, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी लंबी लंबी घास से होते हुए, देयर, जहाँ, नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास, ही वुड बी वेटिंग, उसको इंतजार करते रहना चाहिए, फॉर सम फैट डियर, यानी कुछ मोटे ताजी हिरणों का, टू पास दैट वे, जो कि उस रास्ते से होकर गुजरते हैं। दस, इस प्रकार, ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैवी फीस्ट, इस प्रकार वहाँ शानदार हैवी फीस्ट, शानदार दावत की प्रतीक्षा में उसे वहाँ पड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं स्टेंजा थ्री, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोइट इमेजिन्स, यानी यहाँ पर कभी कल्पना करता है, वॉट के द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल्ड टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट, के अपने प्राकृतिक आवास में यदि बाघ अपना शिकार करने में असफल होता है तो उसको क्या करना चाहिए। ही सेज दैट, वह कहता है कि द टाइगर वुड बी ग्रोलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज, के बाघ को कुछ गाँव के पास, जो जंगल का किनारा है, वहाँ पर गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। देयर ही वुड बी शोइंग हिज वाइट फैंग्स, वहाँ उसे अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए। एंड क्लोज, और पंजों को, वाइल मूविंग हियर एंड देयर, यानी इधर और उधर चहलकदमी करते हुए। ही वुड दस बिकम अ कॉज ऑफ टेरर फॉर द विलेजर्स, इस तरीके से वह गांव के लोगों को भयभीत कर देगा, यह गांव के लोगों के लिए आतंक का कारण बन जाएगा। द पोइट हियर गिव्स अ हिंट, यहाँ पर कवि संकेत करता है कि इफ़ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स, यदि हम बाघों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करते हैं, तो दे विल बी फोर्स्ड, तो वे बाध्य हो जाएंगे
टू टर्न टू अवर टाउन्स, यानी हमारे कस्बों को एंड विलेजेस और हमारे गाँव को बदलने में, टू फाइंड देयर फूड यानी अपना भोजन पाने के लिए वह अपना आवास बदलने में मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं स्टेंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोइट सीज द टाइगर लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू, यानी कभी बाघ को एक चिड़ियाघर में ईंट पत्थरों की कोठरी में कैद देखता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजेंट बिहाइंड द बार्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सब ताकत के बावजूद ही नाउ लाइज इम्प्रिजेंट बिहाइंड द बार, वह सलाखों के पीछे कैद है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत ही खामोशी से और चुपचाप से, ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, यानी पिंजड़े की लंबाई के हिसाब से वह इधर उधर चलता है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स, वह आने वालों पर कोई ध्यान नहीं देता है। हु कम, जो कि आते हैं, टू द जू, चिड़ियाघर में, टू हैव अ लुक एट हिम, यानी उसको देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं, स्टेंजा 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द टाइगर नोज, बाघ जानता है, नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में उसको आराम नहीं प्राप्त होता है, बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, क्योंकि आने वाले लोगों की वजह से। इवन, यहाँ तक कि एट नाइट, रात में भी, ही रिमेन्स डिस्टर्ब, वह परेशान रहता है, ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, यानी गश्त लगाने वाली गाड़ियों के शोर की वजह से। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, यानी वह अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरते हुए रहता है। परहैप्स, शायद, ही इज आस्किंग, वह पूछ रहा होता है, हेवन यानी स्वर्ग में बैठे भगवान से, व्हाई ही हैज बीन इम्प्रिजेंट देयर, के इस पिंजड़े में या वहाँ इसको क्यों बंदी बनाकर रखा गया है। तो दोस्तों, ये है अ टाइगर इन द जू, इस पोएम का लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।